दे हो? सामने आओ। अने, what's wrong with you? कितने बात कर रहे हो? एक सेकंड, क्या हुआ बता हमें? एक सेकंड। आराम से, आराम से। लीव मी अलोन। लीव मी। आनंद। क्राइम सीन पे ही हम लोग पूछताछ चल रही है। मैं इन्फॉर्म करता हूँ आपको। जी सर। क्या बताओ? आनंदपुरी पार्टी में हम सबसे अलग बैठा था, कुछ परेशान था और शायद घबराया हुआ भी। फिर अचानक से उठा, जोर जोर से चिल्लाने लगा और फिर बाहर चला गया। सर वो तो पार्टी के लिए हमेशा तैयार रहता था। मेरे ख्याल से हम सब में वही था जो पार्टी को सबसे ज्यादा एंजॉय करता था। लेकिन सर आज उसका पार्टी करने का मन नहीं था। पिछले कई दिनों से बहुत अजीब सा बिहेव कर रहा था। बात करते करते चुप हो जाता था और कई बार उसके मुंह से मैंने किसी ऐना का नाम सुना। नींद में भी ऐना ऐना बड़बड़ाता था। ऐना? कौन कौन है ये ऐना? आप में से कोई भी नहीं जानता ऐना के बारे में? नहीं सर। गाड़ी के सामने कोई अचानक आ जाए और ड्राइवर को ब्रेक मारना पड़े तो स्किड मार्क्स टायर के निशान आते हैं सड़क पे, पर यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं है? नहीं, मतलब ये एक्सीडेंट नहीं हो सकता। किसी ने जानबूझकर आनंद को उड़ाया गाड़ी से। ये सिल्वर गाड़ी XY 3240 किसकी है? मेरी है सर। पर सर मैं पूरी रात पार्टी में ही था, मैंने कुछ नहीं किया। गाड़ी की चाबी का मेरे पास है। लो। चाबी तो इसके पास थी, तो गाड़ी कौन चला रहा था? गाड़ी आनंद को उड़ाकर वहाँ वो जाके खड़ी होगी। दोबारा से खोलने का कोई निशान नहीं। तो जितने भी यहाँ है ना, उनमें से कोई तो ऐसे झूठ बोल रहा है। सबको बेरो लेके चलते हैं। राजू, तुम्हारे दोस्तों का कहना है कि आनंद की अचानक पार्टी छोड़ जाने के बाद तुम भी अचानक से गायब हो गए पार्टी से। क्यों? मैं, हाँ सर याद आया, मैं वॉशरूम गया था। एक्चुअली कल कुछ ज्यादा ही पीली थी तो। अचानक उसी वक्त में बाथरूम जाने की जरूरत पड़ी, है? कमाल है। मेरा यकीन कीजिए सर, मैं भला क्यों मारूंगा आनंद को, और वो भी अपनी ही गाड़ी से। तो फिर तुम्हारी गाड़ी की चाबी कातिल के हाथ कैसे लगी? है? पता नहीं सर। राजीव के कार के स्टीयरिंग व्हील पे तुम्हारी उंगलियों के निशान मिले हैं। अगर तुम गाड़ी नहीं चला रहे थे तो तुम्हारी उंगलियों के निशान स्टीयरिंग व्हील पे कैसे? राजीव ने अपनी कार ठीक से पार्क नहीं की थी, तो मैंने उसकी कार को थोड़ा आगे सरका के जगह बनाई थी, क्योंकि सर वो उसने काफी पी रखी थी। तो तुमने अपना काम करने के बाद गाड़ी की चाबी तुरंत उसे वापस दे दी? हाँ सर, उसके बाद मैंने चाबी राजीव को दे दी थी। आनंद से जलते थे तुम। रिया तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी जिसे आनंद ने छीन लिया था, इसलिए धमकी दिया था तुमने उसे कि पछताओगे, बहुत भारी पड़ेगा। क्यों सर? वो तो यूं ही मैंने गुस्से में बोल दिया था। सर ये बात बिल्कुल सच है कि मैं आनंद को पसंद नहीं करता था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसका मर्डर कर दूंगा। उस दिन पार्टी के दिन भी झगड़ा हुआ था ना तुम्हारा? झगड़ा नहीं था वो, कपल्स के बीच कहां सुनी होती रहती है। और मुझे लग रहा था कि आनंद मुझसे कुछ छिपा रहा है,
और ये ऐना के बारे में भी मैं जानना चाहती थी कि कहीं उसका ऐना के साथ अफेयर तो नहीं चल रहा। ऐसे क्यों लगा था? मैंने बताया ना कि बहुत दिन से बहुत अजीब सा बिहेव कर रहा था, कभी भी ऑफिस से छुट्टी ले लेता था। और हाँ, कुछ दिन पहले एक बैग में बहुत सारा कैश लेकर कहीं जा रहा था। मैंने पूछा कि कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, इतना सारा पैसा कहाँ से आया तुम्हारे पास, लेकिन कोई जवाब नहीं। इतना सारा पैसा लेके आनंद जा कहाँ ना होगा? तो कोई उसे ब्लैकमेल तो नहीं कर रहा था? तो जिस दिन आनंद कैश से भरा बैग लेकर बाहर निकला था, उस दिन उसकी फोन की लोकेशंस का रिकॉर्ड है हमारे पास। है ना? है कौन ये? है ना? है कौन ये? तो ये भी पता लगाना पड़ेगा कि आनंद उस रात गया कहाँ था। इस आनंद की पूरी कुंडली निकालो। सर, उस दिन आनंद यहीं आया था। ये जगह कुछ जानी पहचानी सी लग रही है। Yes? आनंद को जानते हैं? आनंद? Yes. ये आनंद। मैं किसी आनंद को नहीं जानता। ऐना, ऐना यहाँ रहती है? ऐना? अब आप? सीआईडी। My wife Jennifer, my son Jacob. सर, आप ऐना के बारे में क्यों पूछ रहे हैं? हम ऐना से बात करना चाहते हैं। वो यहीं रहती है ना? सर, 5 साल पहले एक रोड एक्सीडेंट में ऐना की मौत हो गई। एक्सीडेंट? जी, किसी कार ने टक्कर मारी और वो टक्कर मारने वाला भाग गया। सर, आनंद के केस में भी ऐसा ही हुआ था। कहीं दोनों एक्सीडेंट्स का कोई कनेक्शन तो नहीं? क्या आनंद से कभी मिले नहीं आप? कुछ समय पहले वो आपसे मिलने के लिए यहाँ पे घर पे आ रहा है। नहीं सर, ऐना के जाने के बाद यहाँ कोई नहीं आता। झूठ, वो मरी नहीं है, जिंदा है। मेरी ऐना जिंदा है। रिलैक्स जल्दी, रिलैक्स, चुप हो जाओ। सर, ऐना के जाने के बाद मेरी बीवी सदमे में है, इसलिए आप इसकी बात पर ध्यान मत दीजिए। नहीं, मैं सच कह रही हूँ, मेरी ऐना मरी नहीं है, वो कहीं नहीं गई है, वो मुझे मिलने आती है, अपनी माँ से बहुत प्यार करती है वो। सर, मैंने आपसे कहा ना कि मेरी बीवी सदमे में है, आप इसकी बात पर ध्यान मत दीजिए, ये कुछ भी बोलती रहती है। अच्छा, अगर मेरी बातें बकवास लगती है तो ये देखो, आप भी देखिए, ये मेरी ऐना है, ये मेरी, कुछ दिनों पहले ही मुझसे मिलने आई थी। मेरे पति की तबीयत ठीक नहीं रहती है ना, कुछ काम नहीं करते है ना वो, इसलिए ऐना ही तो घर खर्च के लिए पैसे छोड़कर जाती है यहाँ। सर, ये आनंद आया था यहाँ पे कैश लेकर, कहीं ये उसकी बात तो नहीं कर रही है? पैसे किसी बैग में लाए थे उसने? नो सर, दो बॉक्सेस में। दिखाइए। जी, समझ में आया ये जगह मुझे जानी पहचानी क्यों लग रही है। मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। यहाँ? हाँ। कब सर? करीब 5 साल पहले एक किडनैपिंग के केस के सिलसिले में पूछताछ करने आया था। विवेक, जिसे किसी ने किडनैप कर लिया, वो आपका स्टूडेंट था, उसके बारे में कुछ सवाल करना है। बहुत अच्छा लड़का था, उसको ठीक हो और जल्दी घर आ जाए। कब से जानती हैं आप विवेक को? अभी कुछ महीने पहले मेरे पास ट्यूशन लेने आया था। और आखिरी बार कब देखा उसे? उसमें कोई चेंज नजर आया उसमें? मतलब कोई ऐसी बात जो आपको अजीब लगी हो? अभी कुछ दिन पहले मैं उसके घर गई थी, तभी तो सब ठीक था। अचानक ये
की किडनैपिंग की न्यूज, अगर उसे कुछ हो गया तो सर, सर प्लीज प्लीज आप उसे ढूंढिए प्लीज। ऐना प्लीज प्लीज संभालो अपने आप को। डोंट वरी, विवेक सही सलामत वापस आ जाएगा। विवेक की फैमिली ने किडनैपर्स को फिरौती की रकम दे दी और उसके बाद वो घर भी वापस आ गया था, लेकिन किडनैप किसने किया था उसे ये आज तक पता नहीं चला। इतना तो मुझे भी याद आ रहा है कि उस किडनैपिंग के दौरान ही ऐना का एक्सीडेंट हुआ था, पर मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही है कि ऐना इतनी रात को उस सुनसान रोड पर गई क्यों थी। उसे तो उस वक्त घर पर होना चाहिए था डिनर के लिए। विवेक की किडनैपिंग और ऐना का एक्सीडेंट कोई इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। जिसे सब लोग हिट एंड रन केस समझ रहे हैं, कहीं वो मर्डर तो नहीं। 5 साल पुराने हिट एंड रन केस को फिर से देखने की जरूरत है। इस केस से जितने भी जुड़े हुए लोग हैं उन सब से मिलना पड़ेगा, और वो पुलिस टीम जो इस केस पर थी उनसे भी, और सबसे पहले इस विवेक से बात करना बहुत जरूरी है। वही हमें बता सकता है इस किडनैपर के बारे में। सर जिस रात थाना का एक्सीडेंट हुआ था उस रात पुलिस ने नाकाबंदी कर दी और जितनी भी गाड़ियां वहां से क्रॉस हुई थी सबकी एक लिस्ट बनाई। ये लिस्ट मेरे पास है सर। पहला नाम किसका है? सर पहला नाम है राकेश। मुझे कुछ नहीं मालूम सर, गाड़ी का तलाश लिया मुझे जाने दिया। और दूसरा नाम? दूसरा नाम है दुष्यंत सर। मैंने उस रात किसी को नहीं देखा। और तीसरा कौन? तीसरा नाम है अशोक। सर 5 साल पहले पुलिस पूछताछ कर चुकी है और आप आज वही सवाल मुझे पूछ रहे हैं। जो पूछा गया उसका जवाब दो। सर उस एरिया में मेरी गाड़ी थी, पुलिस की टीम आई भी थी चेक करने के लिए, लेकिन कुछ मिला नहीं। सर गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ ही नहीं है तो सबूत कहां से मिलता? सर 5 साल पुराना केस है और ऐसे केस में नया सुराग मिलना बड़ा मुश्किल है। कोई और नाम है लिस्ट में? हाँ सर एक। ये सर ये परेश, प्लॉट नंबर 21 शास्त्री नगर मुलुंड। प्लॉट नंबर 21 शास्त्री, ये तो वही एड्रेस है जहां 5 साल पहले आनंद और उसका परिवार रहता था। तो कहीं ये परेश आनंद के पिताजी तो नहीं? मतलब आनंद के पापा की गाड़ी वहां पर थी जहां पे ऐना का एक्सीडेंट हुआ। अब देखना ये पड़ेगा कि गाड़ी कौन चला रहा था, आनंद या उसके पिताजी परेश। 5 साल पहले ऐना रोड एक्सीडेंट में मर जाती और 5 साल के बाद अब आनंद मर जाता है सर रोड एक्सीडेंट में। इन दोनों मर्डर्स में सर कोई ना कोई कनेक्शन जरूर होगा। बोला वो बहुत मुश्किल घड़ी थी हम सब के लिए, आज भी याद करता हूँ तो काम चाहता हूँ। मेरे बेटे को नई जिंदगी मिली है, वो घर लौट आया है, ये बहुत है। क्या जरूरत है फिर से उन बातों को दोहराने की? जरूरत नहीं होती तो हम लोग यहाँ आते नहीं। हम लोग विवेक को ज्यादा परेशान नहीं करेंगे, बस कुछ एक सवाल हैं जो हम इनसे पूछना चाहते हैं। देखिए विवेक पर उस घटना का असर अभी भी है, इसलिए हमने उसके लिए एक काउंसलर रखी है। जी मैं सोनिया सर विवेक की काउंसलर हूँ, उसकी मदद कर रही हूँ इस भयानक हादसे की यादों से निकलने में। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के पेशेंट्स कैसा महसूस करते हैं आप लोग तो जानते ही हैं सर। जब विवेक किडनैपर्स के पास बंदी था तो उसे बहुत सी नशीली चीज़ें दी गई ताकि वो होश में ना रह सके, किसी को याद ना रख सके। इन नशीली चीज़ों से विवेक के दिमाग पर बहुत बुरा असर हुआ है सर, इसलिए अपनी ज़िंदगी की उस दौर की बहुत सी बातें उसे याद नहीं है। तो क्या विवेक को किडनैपर्स के बारे में कुछ भी याद नहीं? जी नहीं। विवेक आप जरा ये फोटो देखिए, कुछ याद आता है आपको? ये आपको आपको ट्यूशन देती थी, पढ़ाती थी आपकी टीचर। ये वहां थी खिड़की के पास। खिड़की कहां पे?
जहां मुझे उन लोगों ने बांध के रखा था। कहां पे बांध के रखा था तुमको विवेक? वो कौन सी जगह थी वो? विवेक कहां पे रखा था, कुछ याद करो। विवेक हां कहां पे? रिलैक्स विवेक, ज्यादा अपने दिमाग पर जोर मत डालो। वो प्लीज, दिस इज नॉट गुड फॉर हिम। ओके रिलैक्स विवेक, रिलैक्स। ये विवेक को जहां पे कैद करके रखा था वहां पे रैना की मौजूदगी, रैना की मौत एक्सीडेंट नहीं है, किडनैपिंग से कुछ ना कुछ लेना देना है इसका। पंकज एक बात समझ में नहीं आ रही है, 5 साल पहले मरी हुई लड़की अपनी माँ से मिलने कैसे आ सकती है? यही तो हम पता करने आए ना फ्रेडी सर। हाँ यार, ये आत्मा वात्मा का चक्कर ना हो बस। यार क्यों जबरदस्ती ऐसी बातें करते हो आप यार, डर लगता है। आप एक काम करो, आप आगे से जाओ, मैं पीछे से आता हूँ। अरे पंकज यार, आना जाना छोड़ दे, चलेंगे तो साथ में चलेंगे। लड़की से डर रहे हो? क्या बात कर रहे हो आप? अरे वो लड़की की आत्मा है, समझे? अरे इधर ही तो थी सर, कहाँ गई? अरे क्या बात कर रहे हो यार, देखते देखते एक लड़की आंखों के सामने से गायब हो गई, ऐसे कैसे? लोग सच कह रहे हैं, हम लोगों का पूरा ध्यान था उस पर, मगर वो पलक झपकते ही गायब हो गई। सर मैं दावे के साथ कह सकता हूँ वो एक आत्मा ही थी। एक अच्छी खबर है भाई। क्या है सर, बताइए। ये जो दो डब्बे है, इन डब्बों में ऐना की फैमिली को रुपए भिजवाए गए थे भाई, इनमें से ये एक डब्बा तो आनंद का है, लेकिन ये दूसरा डब्बा ये आनंद का नहीं। क्या? ये आनंद का नहीं है? कैसे? ऐसे, इस डब्बे पर ये जूते का नंबर लिखा हुआ। क्या नंबर? 11। और आनंद के जूते का नंबर क्या था? 8। तो अब ये जूता आनंद का तो नहीं हो सकता, और वो रहता भी अकेला था, तो ये भी नहीं कह सकते कि किसी फैमिली मेंबर का होगा। डॉक्टर साहब ये भी तो हो सकता है कि आनंद ने ये बॉक्स कहीं और से लाया। हो सकता है, दया जरूर हो सकता है, लेकिन भाई अगर आनंद ये बॉक्स कहीं और से भी लाया होता तो आनंद की उंगलियों के निशान तो इस डब्बे पे होते ना। आनंद की उंगलियों के निशान है ही नहीं इस पर, तो फिर तो ऐसा बोलो ना सर, घुमा फिरा के बोलो यार। सालू क्यों ना यार, मतलब सर कोई और भी जिसे ब्लैकमेल किया जा रहा है? इसका मतलब है हैना के परिवार को कोई चोरी छुपे मदद करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन क्यों? ऐसा तो नहीं कि वो अपने आप को ऐना की मौत का जिम्मेदार समझता है और इसलिए हो सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो बॉक्स मिला है 11 नंबर वाला, इसमें से कुछ और मिला आपको, कुछ बता सकते हैं? हाँ, ये कंपनी का एक कागज था जो चिपका हुआ था, सब कुछ तो फाड़ दिया है, लेकिन इस पर 2 अक्षर लिखे हुए SH। इस बॉक्स पे ये बार कोड तो है, ये तो पता चल जाएगा कि बॉक्स आया कहाँ से था। सर पिछले 1-2 महीने में तो हमने सैकड़ों जोड़ी जूते बेचे, फिर कैसे याद रहेगा कि कौन से डब्बे में किस ग्राहक को जूते बेचे थे? तुम्हारी बात सही है, लेकिन ऑनलाइन बिजनेस है ना तुम्हारा, तो किसी ई कॉमर्स वेबसाइट के जरिए बेचते होगे? जी सर। तो हमें शू बॉक्स का एक छोटा सा लेबल मिला है, तो तुम अपना रिकॉर्ड दिखाओ जरा, हम चेक कर लेंगे। श्योर सर। लेबल पर भी SH लिखा हुआ था।
सकता है ये वही आदमी तो नहीं जिसकी हमें तलाश है। एड्रेस भी तो है इसमें। चलो शेखर कुमार का इतिहास निकालते हैं। अभी कौन होगा? कौन हो तू? कौन हो तू? कौन हो तू? शेखर, गुनाह कबूल करो, कन्फेस। लवाना, ये शेखर कहाँ है? जिसका डर था वही हुआ। ऐना, संभालो अपने आप को। ऐना का बॉयफ्रेंड शेखर है ये। पहले आनंद और अब शेखर। सर, इसलिए ये पैसे देकर ऐना की मदद कर रहा था, लेकिन कुछ ना कुछ तो गलत किया है इसने, इसलिए बाहर दीवार पे लिखा कन्फेस, गुनाह कबूल करो। डर की तलाशी लेते हैं। पता तो चले कि आनंद और इस शेखर का आपस में कोई कनेक्शन था क्या? ये देखा, ये आनंद और शेखर की फोटो दोनों एक साथ। सर, सर ये देखिए, शेखर ने 5 साल पहले एक लग्जरी कार खरीदी थी, उसके पेपर्स, और एक बहुत ही महंगा घर किराए पे लिया था। सही है, देखिए 5 साल पहले किडनैपिंग हुआ था, अब 5 साल पहले ही शेखर ने ये सब खरीदा। उस वक्त तो ये काफी गरीब था, पैसे वैसे थे नहीं इसके पास, कहीं किडनैपिंग में ये शेखर भी मिला हुआ तो नहीं था। हो सकता है आनंद और शेखर दोनों दोस्त थे और दोनों ने मिल के शायद विवेक की किडनैपिंग की और इसीलिए दोनों की जान चली गई। पर 5 साल बाद कौन बदला ले रहा है इन लोगों से?
सर, यही वो आत्मा है, लड़की की आत्मा। हाँ, आपका बेटा जेकब आपकी बहन के कपड़े पहन के घूमता है। सर, मैंने बताया था ना आपको कि ऐना की मौत का जेकब को बहुत बड़ा सदमा लगा है। जेकब और ऐना जुड़वा भाई बहन थे। ऐना हम सबका बहुत ख्याल रखती थी, लेकिन ऐना के जाने के बाद जेनिफर हमेशा जेकब से कहती रहती, ऐना होती तो ये होता, ऐना होती तो वो होता, ऐना इस ड्रेस में ऐसी लगती, ऐना उस ड्रेस में वैसी लगती। बस सर, धीरे धीरे ये सारी बातें जेकब के दिमाग में ऐसा असर करने लगी कि वो अपनी बहन की पहचान को ही अपनी पहचान बना बैठा। लेकिन सर, मेरा बेटा दिमागी तौर पर जरूर कमजोर है, पर वो किसी की जान नहीं ले पाएगा। अपनी मरी हुई बहन का बदला लेने के लिए भी नहीं। अरे सर, इसकी तरफ देखिए तो सही आप। शेखर के साथ करीबी रिश्ता था ऐना का। शेखर कैसा इंसान था, कुछ बता सकते उसके बारे में? सर, वो दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे, लेकिन एक्सीडेंट से कुछ दिन पहले ऐना शेखर से नाराज रहने लगी थी, उससे अलग होना चाहती थी। शेखर से नाराजगी का क्या कारण हो सकता है? हो ना हो, विवेक के बारे में सारी जानकारी शेखर ने ऐना से हासिल की होगी। उसके बाद उसने विवेक को किडनैप करने का प्लान बनाया, उसने किडनैप किया। किसी तरह से ऐना को पता चल गया होगा और उस रात वो शेखर का पीछा करते करते उस जगह पे पहुंच गई जहां पे शेखर ने विवेक को किडनैप करके रखा था, और किसी कारण उसे वो वहां से भागना पड़ा और वहां सुनसान सड़क पे किसी ने कार से ऐना को कुचल दिया। मतलब वो जगह जहां पे विवेक को बांध के रखा गया था, वो ऐना के एक्सीडेंट स्पॉट के आसपास ही है। वो जगह ढूंढते हैं जहां पे विवेक को बांध के रखा था। सर, जहां पे ऐना का एक्सीडेंट हुआ उसके आसपास सिर्फ यही एक बंद पड़ा हुआ घर है। ये घर बंद पड़ा हुआ है और आसपास सिर्फ जंगल। ठीक है, अंदर देखते हैं। आइए आप लोग। विवेक, ध्यान से देखो और अच्छी तरीके से याद करो। क्या ये वही जगह है जहां पे तुमको लाया गया था? हाँ, यही वो जगह थी। क्या ये दोनों थे यहां पर? इन दोनों से किसी ने तुम्हें किडनैप किया था? नहीं सर, उन लोगों ने ऐसे मास्क पहन के रखे थे, सिर्फ उनकी आंखें देख रही थी। और तीसरा आदमी जो था, तो तीसरा कौन था, उसको देखा तुमने? नहीं, वो वहां दरवाजे के पास खड़ा था, बात कर रहे थे किसी बारे में। क्या बात कर रहे थे, कुछ सुना तुमने? विवेक, सोचो, शायद कुछ याद आ जाए। कोई बात नहीं, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, ओके? आप लोग इसको बाहर ले जाइए, ठीक है? जाओ बेटा। तीसरा आदमी तो मतलब शेखर और आनंद की तरह उस तीसरे आदमी की जान को भी खतरा हो सकता है। इसके पहले कि खूनी उस तक पहुंचे, हमें पता लगाना होगा ये तीसरा आदमी है कौन। शेखर के फोन रिकॉर्ड से पता चला है कि पिछले कुछ दिनों में उसने एक नंबर पे कई कॉल्स किए। किसके फोन पे? सर, ट्रेस नहीं हो पाया, बर्नर फोन। सर, शेखर ने फोन से अपने सारे मैसेजेस डिलीट कर दिए, मगर हमने रिट्रीव कर लिया। सर, पहला मैसेज है, 5 साल पहले का राज कोई जान गया है, क्या करें। दूसरा मैसेज, बहुत बड़ी प्रॉब्लम में हूँ,
मदद चाहिए तुम्हारी, और मुझे तुमसे बात करनी है, कॉल मी प्लीज। चौथा मैसेज है, वो चाहते हैं मैं अपना गुनाह कबूल करूं, अब बर्दाश्त नहीं होता। अगर मैं फंसा तो याद रखना तुम भी नहीं बचोगे। अभी जा रहा हूं ऐना के घर, उसके माता पिता को सब बता दूंगा। सर, विवेक की किडनैपिंग में ये शेखर शामिल था, अगर ये बात शेखर ने ऐना के परिवार वालों को बता दिया था तो ऐना के परिवार वालों ने पुलिस को ये बात क्यों नहीं बताई? वही तो, पुलिस और CID से सच छुपाए। कहीं ऐसा तो नहीं कि ऐना की मौत का बदला लेने वाले उसके घर वाले ही हो? मैं सच कह रही हूँ सर, हमारी शेखर से कोई बात नहीं हुई, वो हमारे घर आया ही नहीं। और सच कहती हूँ सर, अगर वो हमारे घर आया होता ना तो मैं उसे उसी वक्त कहती कि चलो अभी पुलिस को सब बता देते हैं। मैं हमारी बेटी की कसम खाकर कहती हूँ सर, हमारा यकीन मानिए, सच कह रहे हैं हम लोग। ठीक है, आप लोग वहां जरा उस कमरे में बैठिए। पंकज, हो सकता है ऐन वक्त पर शेखर ने अपना इरादा बदल लिया, वापस लौट गया। ये हो सकता है कि वो घर तक पहुंचा ही ना, उस तीसरे आदमी ने उसे ऐना के घर के बाहर ही रोक लिया होता कि ताकि वो अपना गुनाह कबूल ना कर सके। जेकब, तुम्हारी गाड़ी बहुत सुंदर है, तुम्हें भी ऐना की तरह तैयार होकर रात को बाहर जाने का शौक है ना, घूमने जाते हो ना? तो देखो, कुछ याद है क्या, पिछले संडे की बात है, पिछले संडे रात को 12 बजे तुम ऐसे तैयार होकर बाहर गए थे ना घूमने? देखो घबराओ मत, ठीक है, कुछ नहीं हुआ तुम्हें, अभी मैं कुछ सवाल पूछूंगा उसका जवाब देना, ठीक है? उस रात तुमने कुछ देखा था, कुछ अजीब सा हुआ हो या कोई था वहां पे? भैया, जब मैं घर वापस आ रहा था ना तो मैंने ना अपने घर के पास एक कार देखी थी, और भैया वहां पे ना 1 2 दो लोग भी थे, और वो लोग ना कुछ आर्गुमेंट कर रहे थे, फाइटिंग कर रहे थे वो लोग। वो जो दो जन जो फाइटिंग कर रहे थे उनके चेहरे देखे आपने? ना ना ना। अच्छा, वो जो गाड़ी थी वो गाड़ी का नंबर याद है तुम्हें? नो 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 नो। अच्छा, जाने दो नंबर को। ये बताओ गाड़ी का शेप या कौन सी गाड़ी थी, कौन से कलर की थी, कुछ याद है आपको? कलर भैया, कलर ना सेम टू सेम मेरी कार जैसा था, और ना खुली हुई जीप थी, बहुत अच्छी। हाँ सर, ओपन रेड जीप थी सर। आनंद के एक्सीडेंट के समय जो लोग पार्टी में मौजूद थे उनकी गाड़ियों के साथ एक लाल कलर की जीप थी ऐसी। मतलब वो तीसरा किडनैपर अभिजीत, आनंद और शेखर का हत्यारा, वो भी उस पार्टी में मौजूद था।
देखो, मैं जानता हूँ कि मुझसे गलती हुई, लेकिन प्लीज प्लीज मुझे जाने दो, मुझे मुझे माफ करो, मुझे मुझे जाने दो यहाँ से। वो तो आनंद और शेखर ने किया, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे माफ कर दो। विवेक पर उस घटना का असर अभी भी है, इसलिए हमने उसके लिए एक काउंसलर रखी है। जी, मैं सोनिया सिंह। मैं कुछ फ्रेंड से मिलकर वापस आ रही थी, तभी मैंने देखा कि कौन है वो? कौन है वो? शेखर का? हाँ, उस दिन गाड़ी पापा ने, मैं चला रही थी, जाने में ही सही जान ली थी मैंने उसकी, बट पुलिस को सच बताने की हिम्मत नहीं कर पाई। सब मुझे एक हफ्ते में यूएस जाना था पढ़ाई के लिए, अगर पुलिस केस बन जाता तो मेरा करियर बर्बाद हो जाता। अपने करियर की फिक्र में तुमने एक मासूम की मौत के साथ नाइंसाफी होने दी। मैं हारती हूँ सर, और ऐसा नहीं है कि मुझे पछतावा नहीं था, मुझे एहसास था अपनी गलती का, ये गिल्ट अंदर ही अंदर मुझे खाए जा रहा था। 5 साल बाद जब मैं वापस आई तो मेरे आना की फैमिली को ट्रैक किया, तो मुझे पता चला कि उनकी हालत बहुत बुरी है, और आना के कातिल और विवेक के किडनैपर खुले घूम रहे। नफरत हो गई थी मुझे अपने आप से, खोजती थी सर मैं अपने आप को, इसीलिए मैंने ये सब किया। 5 साल पहले मुझसे जो गलती हुई थी उसको सुधारने के लिए, आना को इंसाफ दिलाने के लिए। फिर? ऐना ने मरने से पहले आनंद और शेखर का नाम बता दिया था मुझे, उन्हें ट्रैक करने में मुझे ज़्यादा मुश्किल नहीं हुई। मैंने उन्हें ब्लैकमेल किया और उनसे ऐना की फैमिली को पैसे दिलवाए ताकि उनकी मदद हो सके, और उनको डराती रही धमकाती रही, क्योंकि मुझे तीसरे किडनैपर का नाम पता करना था, क्योंकि मैं जानती थी कि उस दिन ऐना के पीछे 3 आदमी पड़े थे, 3 लोग उसका पीछा कर रहे थे, मैंने देखा था सर। तो क्या बताया उन दोनों ने? आनंद उसको नहीं जानता था सर, और शेखर इतना डरा हुआ था उस आदमी से कि उसने कुछ भी बताने से मना कर दिया था। इसीलिए मैं विवेक की काउंसलर बनी, मुझे लगा शायद मैं उस बच्चे से कुछ सच निकलवा सकूं। तो वो खुद इतने सदमे में था कि उसे कुछ याद नहीं था। फिर मरने से पहले शेखर ने मुझे सच्चाई बताई कि विशाल वो तीसरा किडनैपर था। विशाल मास्टरमाइंड था सर विवेक की किडनैपिंग, ये सब उसका प्लान था। तो इसलिए कानून को अपने हाथ में लेने का फैसला कर लिया तुमने, ऐना को इंसाफ दिलाने के लिए गलत रास्ता चुना तुमने सोनिया, और इस बार तुम्हें अपने करियर की फिक्र भी नहीं। कानून से कोई नहीं बच सकता, जो कुछ तुमने किया है उसकी सजा तुम्हें भुगतनी पड़ेगी। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।